प्यारे दोस्त और प्यारे साथी, ये NSDL पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर का पोर्टल है, जिसे BC पोर्टल कहा जाता है। ये पोर्टल लॉगिन करने के बाद ही कोई BC जो है CSP ऑनबोर्ड कर सकता है, पर ऑल ओवर इंडिया पे नहीं। कुछ कुछ पिन जो है इसका लिमिटेड पिन कोड्स हैं, और उस पिन कोड में कितना खुला जाएगा इसका एक लिमिटेशन NSDL ने अपनी तरफ से दिया है। ठीक है, ये बात बेहतर जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जब से हम लोग शुरू करेंगे, इससे पहले आपको बढ़िया तरीके से आप लोगों को बता देंगे कि अभी से हम लोग इसी एरिया में NSDL पेमेंट बैंक का CSP देने जा रहे हैं या फिर दे सकते हैं। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो है कि डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल ऐसे हैं, jiffyart.nsdlbank.co.in, DS लॉगिन, ये DS लॉगिन है, और मैं इसमें लॉगिन बटन में क्लिक करता हूँ। जैसे ही लॉगिन बटन में हमने क्लिक किया, देख सकते हैं इसका लॉगिन हो चुके हैं। एकदम फ्रेश पोर्टल है, डैशबोर्ड हम लोगों के सामने खुला हुआ है। टुडे अर्निंग 0 है, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन 0 है, टिकट रेज 0 है, कोई टिकट रेज नहीं हुआ है, सब कुछ बिल्कुल 0 है। ठीक है, यहाँ पे टिकट सिस्टम है, क्योंकि आगे BC को जो है आगे तो बताना पड़ेगा कोई इशू होगा तो यहाँ से टिकट जनरेट होगा। सर्विस इस समय NSDL में अकाउंट ओपनिंग, जिसमें आप मनरेगा का पैसा, सरकारी पैसा भी आप ले सकते हैं इसमें, जो DBTL का पैसा होता है। कोई पासबुक की कहानी नहीं है, कस्टमर को मिनी स्टेटमेंट मिलता है या फिर मोबाइल के द्वारा वो स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकता है। तीन प्रोडक्ट में अकाउंट ओपनिंग, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल, ये तीन ही सर्विस फिलहाल लाइव है। आगे चल के बहुत सारा कुछ होने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत लोग हैं NSDL का पेन इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, सर्विस वो सर्विस जैसे आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। आशा करता हूँ आगे चल के NSDL का अकाउंट, NSDL का बैंक का काम भी आप लोगों को आगे मज़ा आएगा। यहाँ पे एंटिटीज में जब क्लिक करते तो एजेंट बनाने का ऑप्शन आता है, और क्रिएट एजेंट में क्लिक करते हैं तो कुछ फॉर्म जो है फिलअप करना होगा। कुछ मतलब काफ़ी सारा 9 फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। ये एक फॉर्म है जहाँ पे सारा डिटेल डालना होगा, फिर बिजनेस डिटेल डालना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्रोडक्ट असाइनमेंट करना है, कमीशन प्रोफाइल सेट करना है, उनकी सेटिंग में जाके उनको सारा सेटअप यहाँ पे इनेबल करना है, उनका खुद का बैंक डिटेल डालना है, नॉमिनेशन डिटेल डालना है, एडिशनल डॉक्यूमेंट डालना है। ये सब कुछ के बाद एक करंट अकाउंट ओपन हो जाता है CSP का, जिस करंट अकाउंट में वो अपना पैसे को रखेंगे और इसको NSDL पेमेंट बैंक डिडक्ट करेगा और पीछे से अप्रूव करेगा, और इसके बाद ही NSDL पेमेंट बैंक का CSP कोड जो है उनके नाम पे अलर्ट होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए झलक था। देखिए ऐसे है पोर्टल डिस्ट्रीब्यूटर का, आगे चल के आप लोगों को और भी डिटेल्स में बताएंगे। इस ये वीडियो देखने के बाद कोई सवाल मत कीजिएगा, आईडी चाहिए मुझे ये मत बोलिएगा, क्योंकि जब भी आईडी देने का समय होगा हम लोग इसके पहले आप लोगों को बता देंगे कि अभी से हम लोग जो है आईडी देने के लिए रेडी हो गए हैं। हमें और भी अभी ट्रेनिंग चाहिए, और भी थोड़ा समय चाहिए। इसके बाद जिस समय समय होगा हम लोग आप लोगों को ज़रूर बता देंगे कि अभी NSDL पेमेंट बैंक का CSP देना शुरू है। बाकी सारा कुछ में इतना इंटरेस्टेड चीज़ तो कुछ नहीं, पर सबसे बड़ी इंटरेस्ट चीज़ वही है कि आप अपने शॉप में एक बैंक का अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, वो NSDL पेमेंट बैंक है और ये सरकारी है। अब इसको सरकारी बैंक ही है लगभग कहते हैं, ये प्राइवेट बैंकों की तरह तो प्राइवेट कंपनियों की तरह रन करता है, पर है तो सरकारी। NSDL बहुत ट्रस्टेबल है आप लोगों के पास भी, और बहुत लोग इंटरेस्ट भी है इस बैंक के ऊपर। सो आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को आगे समय में ये वीडियो आप लोग खुशी दे सकते हैं कि आगे समय में बहुत कुछ ऐसे आने वाले हैं जिस चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। वो हमसे ले या फिर अलग जगह से आप ले वो अलग बात है, पर ये चीज़ आपको खुशी दे सकता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।